दो इम्पॉर्टेंट रिलेशंस अभी रह गए थे, डेरिवेटिव ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वी विल स्टार्ट विद डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद बेस ई। दिस इज गिवन एज 1/x। एंड नेक्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू e raise to power x। यहाँ पर रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। log x का डेरिवेटिव लेते हुए आपको ध्यान रखना है बेस मस्ट बी e। वी आर ई रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है 2.7183। ओके, अब इन दोनों को एक दो एग्जांपल्स में अप्लाई करके देखेंगे। मान लीजिए आपको y दिया हुआ है साइन एक्स प्लस 3x² प्लस 5 लॉग एक्स विद बेस ई। एंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx। तो यहां पर क्योंकि प्लस आ रहा है तो तीनों टर्म्स का डेरिवेटिव अलग अलग ले लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 3x² विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 लॉग एक्स विद बेस ई। ओके, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने पहले ही पढ़ा था, क्या था, कॉस एक्स। अब यहाँ पर 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। 3x² का डेरिवेटिव आप लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपने क्या पढ़ा था फार्मूला, एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। 5 फिर से कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। log x विद बेस e का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे पढ़ा, इट इज 1/x, यानी कि रिजल्ट क्या बन जाएगा, cos x प्लस 6x प्लस 5/x। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल। डेरिवेटिव ऑफ, हम चेंज करते हैं थोड़ा, आपको गिवन है y इज इक्वल टू 3t रेज टू पावर 6 माइनस 9 साइन टी प्लस e रेज टू पावर t। तो अब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे लिखूं, शुड आई राइट डाउन dy बाय dt और शुड आई राइट डाउन dy बाय dx। यू मस्ट से इट इज रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पर जो वाई है इट इज ए फंक्शन ऑफ टी। अगर वाई टी का फंक्शन है तो टी के रिस्पेक्ट में ही हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। डी वाई बाई डी टी प्लस है तो तीनों टर्म्स का डेरिवेटिव अलग अलग लिखेंगे। 3 कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लीकेशन में, एंड डेरिवेटिव यहाँ पे सीधा बाहर आ जाएगा। टी रेस टू पावर 6 के डेरिवेटिव के लिए 6 इंटू टी रेस टू पावर 6 माइनस 1 माइनस 9 वैसे का वैसा आ जाएगा। साइन टी का डेरिवेटिव बन जाएगा कॉस टी प्लस, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, ई रेस टू पावर टी का डेरिवेटिव एज सच ई रेस टू पावर टी। दिस इज 18 टी रेस टू पावर 5 माइनस 9 कॉस टी प्लस ई रेस टू पावर। ओके, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे पास फंक्शन हो y इज इक्वल टू 3t² और मुझे क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड dy बाय dx, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी, हम फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t। Means basically y is a function of t, but मुझे find out करना है dy by dx।
इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे। एक और एग्जांपल मान लीजिए, मुझे सॉल्व करना है डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन। इसे कैसे लिखेंगे? हम लोगों ने एक्स रेस टू पावर एन को तो सॉल्व किया है, बट अब यहाँ पर ये वैल्यू एक्स नहीं है, इट इज समथिंग एल्स। अगर मैं इसे यू मान लूं, तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन क्या बन रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ यू रेस टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर वे यू इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मीन्स मेरे पास कंसर्न क्या है, वाई इज ए फंक्शन ऑफ यू एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, देन हाउ टू कैलकुलेट dy अपॉन dx। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है हमारे पास, चेन रूल। तो यहां पर हम लोग चेन रूल को समझेंगे। चेन रूल क्या कहता है, अगर y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज फर्दर अ फंक्शन ऑफ x, देन dy अपॉन dx मे बी रिटन एज dy अपॉन du इंटू du बाय dx। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। याद रखने के लिए आप यूं समझ सकते हो कि du और du कैंसिल आउट हो गए, एक्चुअली में ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, ये चेन रूल से ड्राइव होता है, जो कि नॉन मेडिकल वाली डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। बट फिजिक्स में अगर हम ये याद रख लें कि dy by du into du by dx सॉल्व करना है, दैट इज गुड एनफ। अब इस चेन रूल को हम कई जगह अप्लाई करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ 3x plus 5 raised to power 2 with respect to x। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें होता है x raised to power n। यहाँ पर x की जगह कुछ और एक्सप्रेशन है, मैं इस एक्सप्रेशन को u एज्यूम कर लेता हूँ। तो बेसिकली अभी मेरे पास क्या बन गया, d by dx of u square। चेन रूल क्या कहता है, पहले u square का डेरिवेटिव ले लो, वो क्या बन जाएगा 2 into u square का डेरिवेटिव u raise to power 2 minus 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये टर्म दोबारा से आएगी, ये दोबारा से मुझे लिखनी पड़ेगी यहाँ पर du by dx means 2 into u, u की वैल्यू कितनी थी 3x plus 5, वो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, into du by dx, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पावर नहीं लिखनी, सिर्फ u का डेरिवेटिव। u कितना था मेरे पास 3x plus 5, 3x plus 5 का डेरिवेटिव अब तो आपको सॉल्व करना आ गया होगा, आई थिंक सो वी कैन डायरेक्टली राइट 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, 5 सिर्फ कॉन्स्टेंट है, अगर अकेला कॉन्स्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 बन जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। ओके, अब मान लीजिए हमारे पास डेरिवेटिव सॉल्व करना है साइन 3x plus 9 का। यहां पर हम फिर से चेन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है उसमें सिर्फ और सिर्फ x होता है, तो मैं इस वैल्यू को u एज्यूम कर लेता हूँ। मीन्स मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया कि मुझे फाइंड आउट करना है d by dx of sin u, where u is equal to 3x plus 9। ध्यान से देखो, y पूरी इक्वेशन क्या थी, sin of 3x plus 9, 3x plus 9 को मैंने क्या लिख लिया, u, तो मेरे पास y किसके इक्वल आ गया, sin u के। मीन्स y is a function of u and u means ये वैल्यू, दिस वैल्यू 3x plus 9 इज अ फंक्शन ऑफ x, विच मीन्स दैट आई कैन अप्लाई चेन रूल हियर।
तो चेन रूल अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे वापिस स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे आते हैं। साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस यू इनटू, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, ठीक है, तो हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल अप्लाई करने का मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा डी यू बाय डी एक्स। अब इतना करने के बाद हम यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 3x प्लस 9 इंटू यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 9। फाइन, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3x प्लस 9। 3x प्लस 9 का डेरिवेटिव आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 3x का डेरिवेटिव 1, 9 सिर्फ कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 3 इंटू कॉस 3x प्लस 9। क्लियर? अब छोटा सा जुगाड़, जो सही तरीका है वो तो है चेन रूल वाला, बट हमारे पास यहाँ पर एक जुगाड़ होता है। अगर हमारे पास कोई लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का मतलब x की पावर जो वेरिएबल है x, उसकी पावर सिर्फ 1 है, तब सॉल्व करते हुए सिर्फ हम x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स साइन का डेरिवेटिव क्या बन गया? कॉस। आई विल राइट डाउन कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई बाय कॉफिशियंट ऑफ x। यहां पर कॉफिशियंट ऑफ x क्या है? a, यानी कि a cos ए एक्स प्लस बी, ये मैंने x के कॉफिशियंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज देखो, यहां पर भी यही हुई थी। इस एग्जाम्पल में साइन का जो एंगल था उसमें x का कॉफिशियंट था 3, तो चेन रूल अप्लाई करने के बाद भी 3 यहां पे आ गया और बाकी साइन का डेरिवेटिव कॉस 3x प्लस 9 बन गया। बट ध्यान रखना है, ये सिर्फ तभी अप्लाई किया जा सकता है जब ये आपके पास यहाँ पर लीनियर इक्वेशन हो, अदरवाइज आप इसे लीनियर फंक्शन कह लो जब तक, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्रॉपर चेन रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा। ये मेथडोलॉजी जो हमने अभी डिस्कस की वो आप जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं सब जगह अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने लॉग के लिए फॉर्मूला पढ़ा, लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई, अगर इसका डेरिवेटिव लेना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये कितना आएगा? 1 बाय एक्स। अब मान लीजिए मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें मुझे ढूंढना है लॉग ऑफ एक्स प्लस 9 बाय 2 विद बेस ई, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? तो मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, चेन रूल से भी और जुगाड़ से भी। यहां पर अब मैं इस वैल्यू को यू एज्यूम कर सकता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू विद बेस ई, ये कितना हो जाएगा? 1 बाई यू, अगर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स। 1 बाई यू, यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? एक्स प्लस 9 बाय 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू विच इज एक्स प्लस 9 बाय 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन एक्स प्लस 9 इंटू यहाँ पे ये 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट था इसको डेरिवेटिव से बाहर रख लिया। अब ब्रैकेट में क्या बच गया? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 9, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 9, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 9 सिर्फ कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 9। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को जुगाड़ से करना हो तो क्या करेंगे? जुगाड़ में मैंने बताया था पहले चेक करो कि क्या ये इक्वेशन लीनियर है, आंसर इज यस, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो पहले सिंपल डेरिवेटिव जैसे लेते हैं वैसे ही ले लो। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x प्लस 9 बाय 2। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? कॉफिशियंट ऑफ x, यहाँ पर x का कॉफिशियंट कितना है? 1 बाय 2, तो ये 1 बाय 2 और ये 2 कट जाएंगे, आंसर बन जाएगा 1 अपॉन x प्लस 9। ये रिजल्ट इस रिजल्ट के साथ मैच करेगा, मीन्स सही किया आप लोगों ने। दैट्स ऑल फॉर चेन रूल। अब अगले रिकॉर्डिंग में हम कुछ एक एग्जांपल्स करेंगे और मैक्सिमम और मिनिमा के लिए कंडीशंस पढ़ेंगे।